अस्सलामुअलैकुम। आज से जिस टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सी शार्प का एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत डिमांडेबल कोर्स है। जिससे पहले हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे, आप उसी को मूव करेंगे वेब एप्लीकेशन के थ्रू। और वेब के अंदर जो अब तक का लेटेस्ट मॉड्यूल है या अब तक का जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है वो ASP.NET MVC है। वैसे .NET कोर भी लॉन्च हो चुका है मगर अभी हम जिसपे काम करेंगे वो ASP.NET MVC पे करेंगे। एमवीसी अगर हम काम करें तो एमवीसी के थ्रू हम जिसपे काम करेंगे वो लिंक क्वेरी के थ्रू काम करेंगे। सी शार्प हमने वैसे कर ली पहले तो प्रॉपरली हमने काफी चीजों पर काम किया, उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क्स पे भी काम किया, इसके अलावा टेक्सचर एप्लीकेशन के थ्रू हमने सिंपल सी शार्प पे भी काम किया। तो अभी जो काम करने वाले हैं, आज बिल्कुल पहला लेक्चर है तो पहले इंट्रोडक्शन दूंगा कि ASP.NET MVC है क्या, किस तरह से काम करता है और इसे क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं या किस किस टूल्स पे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, अब ठीक है, अब ASP.NET MVC की अगर आप बात की जाए तो उसकी पहले तो फुल फॉर्म क्या है, तो द एमवीसी इसकी फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर इज एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैटर्न और डिजाइन पैटर्न व्हिच सेपरेट्स एन एप्लीकेशन इनटू थ्री मेन कंपोनेंट्स। याद रखिएगा, आज जब मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पढ़ा रहा था उस पर काम करवा रहा था तो मैंने एक बात बताई थी कि हम रिपोजिटरी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसके अलावा मैंने बताई थी बात कि डिजाइन पैटर्न्स पे काम करेंगे, तो यहाँ पे अब उसी पे काम किया जाएगा। इसके अलावा कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स या टुकड़े, तो याद रखिएगा इस बात के बारे में कि एमवीसी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तीन हिस्से के इसके मेन फंडामेंटल्स हैं, कौन कौन से, एक है मॉडल, एक है व्यू और एक है कंट्रोलर। सबसे ज्यादा जो टोटली अगर हम बात करें एमवीसी जो रिलाय करती है वो इन तीन कॉम्पोनेंट्स पे करती है। ठीक है, अब मॉडल क्या है, मॉडल इज अ पार्ट ऑफ एन ऑफ द एप्लीकेशन व्हिच इंप्लीमेंट्स अ लॉजिक फॉर द डेटा डोमेन ऑफ द एप्लीकेशन। इट इज यूज्ड टू रिट्रीव द स्टोर मॉडल स्टेट इन द डेटाबेस सच एज एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। तो जितना भी काम हम क्या कर रहे होंगे, एसक्यूएल से रिट्रीव करवा रहे होंगे, जितने भी हम ऐसा काम करेंगे जो कि डाटा स्टोरेज होगा, अब उसके अंदर एसक्यूएल सर्वर ASP.NET MVC हम यूज करते हैं, तो सारा का सारा डाटा, अगर आप रिलेशनल डाटाबेस पे काम कर रहे हैं तो आप कहां से रिट्रीव करवाएंगे, एसक्यूएल सर्वर से। अभी प्रैक्टिकली देखेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात। अगला हिस्सा, अब कहता है इट इज ऑल्सो यूज फॉर द बिजनेस लॉजिक सेपरेशन फ्रॉम द डाटा इन द एप्लीकेशन। अभी इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अगला इसका क्या, आपके पास व्यू, व्यू इज अ कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द एप्लीकेशंस यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, वो चीज जो हमें दिखे, फ्रंट पे दिखे, फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि व्यू एक ऐसा कंपोनेंट है एमवीसी के अंदर जो क्या करवाता है, आपको फ्रंट एंड दिखा रहा होता है। ठीक है, तो वो हिस्सा जो आपको क्या करवा रहा हो, डेटा को डिस्प्ले करवाता हो, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, वो व्यू के अंदर आ जाएगा। क्लियर है वाली बात। अगला हिस्सा, It is used to create web pages for the application. जाहिर सी बात है, अगर हम web application पे काम कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, आपको website design, जो उसका design होगा, जो structure होगा, जो आप कह रहे हैं कि content होगा, उसको ये display करवाना है। सही, then उसके बाद क्या था, an example would be an added view of the product table. ये मैं खैर example यहाँ पे एक ऐसी लिखी हुई थी, अभी practically दिखाऊंगा तो ये चीज इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके ऊपर देखते हैं कंट्रोलर क्या होता है और किस तरह से काम कर रहा होता है। पहले हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, अभी तक जो हम पहले सेलेक्ट करते बात कर रहे हैं विजुअल सी शार्प और यहां से विंडोज हम सेलेक्ट करते थे। अब जो हम सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, वेब, और वेब से ASP.NET वेब एप्लीकेशन। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया इसका, फर्स्ट लेक्चर रख दिया इसका नाम, पहले से है यहाँ पर इस नाम से, ओके कर दीजिए। ये भी है, क्या बात है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो जब ओपन करेंगे तो आपके पास एक ऐसी विंडो बनकर आ जाएगी। अब यहां से आपने क्या सेलेक्ट करना है, याद रहे हम किस पे काम कर रहे हैं, एमवीसी पे काम कर रहे हैं, तो हम यहां से क्या सेलेक्ट करेंगे, एमवीसी, और यहां से हम सिलेक्ट कर देंगे चेंज ऑथेंटिकेशन। अच्छा, चेंज ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आप जो है वो यहां पर या तो बिल्कुल ब्लैंक चाहते हैं या तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे लॉग इन साइन अप मिल जाए। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिएगा बाय डिफॉल्ट आपको ये मिल रहा है इंडिविजुअल यूजर अकाउंट।
तो इंडिविजुअल यूजर अकाउंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको लॉग इन साइनअप और क्रूड ऑपरेशन बाकायदा पूरा बनाया, यहाँ बना बनाया मिल जाए। तो अभी हम उस पर काम नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक पे काम कर रहे हैं, एम्प्टी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे नो ऑथेंटिकेशन के ऊपर। क्लियर है अभी बात? यहाँ से आपने कर दिया ओके और यहाँ से आपने कर दिया इसको ओके। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, अभी हमने क्योंकि एज्योर पे काम नहीं करना तो इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ से कैंसिल कर देंगे। एज्योर का मतलब होता है ऑनलाइन डेटाबेस, ठीक है, कैंसिल कर दें इसको यहाँ से। थोड़ा सा टाइम लेगा, देखिए यहाँ पे नीचे जरा गौर करें अगर हम, तो इस जगह पे देखिएगा, इस जगह पे सारे के सारे वो फ्रेमवर्क्स और बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी सबको यहाँ पर वो एम्बेड करवा रहा होगा, सब यहाँ पे ये ऐड करवाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है एडिंग जेक्वेरी, एडिंग बूटस्ट्रैप, तो जो जो चीजें सारी की सारी यहाँ पे जरूरत पड़ेंगी वो पहले से आपको एक पैकेज बना के दे देगा, आप उस पर काम करते रहे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा जब ये आप देखें यहाँ पे सारे वेब पेजेस वगैरह ऐड हो रहे हैं, एमवीसी के प्लेटफॉर्म ऐड हो रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा अभी ये। अच्छा अब देखिए, जब भी आपका जो प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा तो आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन होकर सामने आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करें, यहाँ जाके आप क्या कर देंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा हूँ, मैं आपको आपको पहले इसके बारे में पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन सी चीज क्या कर रही होती है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास है ऐप डाटा, ऐप डाटा के अंदर सारा डाटा बेस आएगा, ठीक है। अभी हम प्रॉपरली इसको देखेंगे तो एक्सप्लोर करेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है ऐप स्टार्ट, ऊपर वाले दो वाले बाद में बताऊंगा, अभी जिस काम जिस जो हमारा काम है वो बता देता हूँ। रूट कॉन्फ़िग जो आपके पास आ रहा है, यहाँ आपके पास जो तरीका लिख, देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट पे एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे देखिए यूआरएल, तो जो यूआरएल आपका यहाँ ब्राउजर पे आएगा ना वो कैसे आएगा, पहले कंट्रोलर का नाम आएगा, फिर एक्शन मेथड का नाम आएगा, अभी बताऊंगा कि एक्शन मेथड क्या होता है, और साथ में जो आईडी होगी वो ऑप्शनल है कि वो आ भी सकती है अगर आप देना चाहें, और अगर नहीं देना चाहें तो कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अभी इसको चला के दिखाऊंगा, जब रन करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। अच्छा अब उसके बाद देखें कंटेंट में आपको क्या मिल जाएगा, सारा बूटस्ट्रैप मिल जाएगा बना बनाया। कंट्रोलर मेन है, उसके अंदर याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोलर आपको मिलता है वो होम कंट्रोलर होता है, जो ASP.NET MVC आपको बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर देता है, कंट्रोलर में कौन सा मिलेगा आपको, होम कंट्रोलर मिलेगा। इसके बारे में भी देखते हैं और क्या है हमारे पास, फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स में सारे बने बनाए फॉन्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास मॉडल का फोल्डर खाली है, जो मैंने आपको पहले याद होगा शिक्षा में भी करवाया था, अलग से बनवाया था, लेकिन यहाँ पे बना बनाया मिल जाएगा। स्क्रिप्ट में सारा jQuery JavaScript मिलेगा आपको। इसके अलावा व्यूज में क्या मिलेंगे आपको, वो हिस्सा मिलेगा जो कि डिजाइन पैनल में काम कर रहा होता है, जो कि डिजाइन आ रहा होता है। याद रखिएगा जब का होम पेज होगा वो कहाँ आएगा, वो व्यूज के अंदर लाकर शेड पे क्लिक करेंगे तो ये लेआउट का जो ऑप्शन आ रहा है ये वो HTML का वो पेज है जो का आपका फ्रंट पेज होगा, होम पेज होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पर, ये चीज जो लेआउट का ऑप्शन आ रहा है वो क्या बताया मैंने आपको कि वो फ्रंट आपका होम पेज हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर खैर अभी काम नहीं करना, बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले देखें यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन था कंट्रोलर के बारे में, कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं, होम कंट्रोलर में डबल क्लिक कर दूंगा। देखिएगा यहाँ पे आपको ना यहाँ पे तीन मेथड्स बने मिल रहे हैं, ये याद रखिएगा, इन मेथड्स को हम पढ़ते हैं एक्शन मेथड। मैंने अभी एक बात कही थी आपको जब मैंने रूट बताया था तो यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक्शन मेथड चलेगा, तो देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है आपका ये वो एक्शन मेथड है जो वहां आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, तो वो कौन सा मेथड होगा वो इनमें से आएगा। जब भी आपने कभी भी नया काम करना होगा तो आप पहले कंट्रोलर में आके यहाँ पर उस मेथड को ऐड करवाएंगे, कौन से मेथड को, एक्शन मेथड को, ठीक है। आप कैसे जरा गौर कर लें, अगर मैं इसको चला के दिखाऊं आपको, तो मैंने आपके एप्लीकेशन पे आके यहाँ पर रखा, याद रहे जैसे हम डेस्कटॉप पे काम करते थे तो हम किसी भी जगह पर उसको रन करते थे तो बाकायदा वो पूरी एप्लीकेशन रन हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपने जो है वो उसको या तो होम कंट्रोलर पे रख के चलाइए या तो आप उसको जहां से आप चलाना चाहते हैं वहां से, ये हर जगह से नहीं चलती, एरर देगा। कंट्रोल F5 प्रेस करें अभी देखिएगा आपको ये फ्रंट पेज के अंदर नेव बार और पूरा एक होम पेज डिजाइन दिखा देगा, देखिए ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, और ये जो होम अबाउट और कॉन्टेक्ट आ रहा है ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, देखिएगा अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो देखिए यहाँ होम, होम का मतलब इंडेक्स, अबाउट और कॉन्टेक्ट, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, योर एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन पेज, अगर मैं वहां जाऊं और यहां जाके मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूं तो देखिए वही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये पूरा वही चीज उसके आ रही है, ठीक है। तो ये उसके मेथड से और अलग अलग पेज आपके वहां पे लिंक हुए हुए थे, अभी हम इसमें काम करते हैं अलग से, तो फिर आपको मैं प्रॉपरली बताता हूँ। मैंने इसे क्लोज कर दिया फिलहाल,
अब देखिए मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया यहां से, एक नया मेथड खुद से बनाया, यहां पे कर दिया, इसका मैंने नाम रख दिया सपोज कर लें सॉरी स्टूडेंट नाम रख दिया मैंने इसका, ठीक है। स्टूडेंट नाम रखने के बाद मैंने इसका यहां पे नाम रख दिया, इस जगह पे कर दिया स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। एग्जाम्पल सर आपने दे दिया यहां पर, क्लियर है यहां तक बात। अब देखें आपने क्या किया, यहां पर आकर आप एक काम करिए, यहां पर आके एक लिस्ट बनाते हैं, सी शार्प पे मैंने बनाई थी। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, दोबारा से यहां पे काम करता हूं, एक लिस्ट बनाता हूं। तो यहां मैंने आके लिखा लिस्ट, डेटा टाइप आएगी इसकी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यहां पे इसका ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा एल आई इज इक्वल टू न्यू, और यहां आ जाएगा आपके पास वाली लिस्ट। कंस्ट्रक्टर लगाइए, ठीक है, पैरामीटर लगा दीजिए, फिर आइए एल आई डॉट एड, यहां पे उसका नाम रख दें, मैंने यहां पे नाम रख दिया सपोज कर लें एग्जाम्पल, मैंने यहां पे नाम रखा साग, कॉपी किया पेस्ट 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 एंड पेस्ट, यहां मैंने नाम रख दिया इसका हमजा काशान रजा, और इसका नाम रख दिया मैंने अली, ठीक है। याद रखिएगा जब भी काम करेंगे तो बिल्ड करेंगे, अगर बिल्ड नहीं करेंगे तो ये बाद में एरर देगा, तो कंट्रोल से वी कर दें, ठीक है, क्लोज कर दें इसको, ये बिल्ड हो गया, कोई एरर नहीं है। अब देखें हमने इसका डाटा कहां भिजवाना है, हमने इसका डाटा भिजवाना है किसके पास, कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से हमने भिजवाना है व्यू पे। तो याद रखिएगा जब भी कभी भी आपने कंट्रोलर से डाटा भिजवाना होगा व्यू तक, तो आप वहां पे कुछ चीजों को यूज करते हैं। अब वो कौन कौन सी है पहले मैं उसके बारे में आज से भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, तो अगले लेक्चर में दूंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ। आप वहां पे व्यू बैग यूज कर सकते हैं, वहां पे आप टेम्प डेटा यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप व्यू डेटा यूज कर सकते हैं। तीन अप्रोचेस होते हैं, या तो व्यू बैग, या तो टेम्प डेटा, या तो व्यू डेटा। ये किस चीज इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है जब भी कभी आपने क्या करना है, अगर आप कंट्रोलर से डेटा भेजना चाहते हैं कहां तक, व्यू तक। क्या मतलब, आपने बैकेंड पे काम किया, आप चाहते हैं उसको फ्रंट पे डिस्प्ले करवाए, वो डिस्प्ले कैसे होगा, आप वहां पे क्या करेंगे, व्यू बैक के थ्रू, व्यू डाटा के थ्रू, या टेम डाटा। इसको डिस्क्रिप्टिव अलग से हम पढ़ेंगे इसको बाकायदा, अभी सिर्फ एक तरीका सिखा रहा हूं, पहला वाला लेक्चर है, ठीक है। किस तरह से, यहां पर आके आपने क्या किया, एक व्यू बैक का नाम दे दिया, व्यू बैक लेकिन नीचे आ रहा है डॉट, आपने इसका नाम दे दिया, मैंने सपोज कर नाम दे दिया नेम, ठीक है। और इसमें किसको बाइंड करवा दूंगा मैं यहां पर आकर, लिस्ट को। जैसे याद होगी एक बात, मैंने जब हम पहले लिस्ट में काम करते थे तो याद होगा ग्रिड व्यू पे काम किया था, तो डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू एल आई करते थे, या जो भी हमारे पास लिस्ट होती थी, जो भी यहाँ पर टेबल का नेम होता था। तो यहाँ पर भी देखिए वही चीज हो रही है, ये व्यू बैक डॉट नेम में मैंने क्या करवाया, एक कलेक्शन था उसमें मैंने किसको बाइंड करवा दिया यहाँ पर आकर, लिस्ट को। फिर कंट्रोल से वी किया, अब क्या हो जाएगा, सारी की सारी लिस्ट कहाँ आकर जमा हो गई, या कि इस व्यू बैक के अंदर जमा हो गया। यहां तक कोई मसला, क्लियर है सबको, चले अगला हिस्सा। अब देखिए अब आ जाते हैं हम कहां पे जाके, अब हम आ जाते हैं आपके इस जगह पे आए देखिए यहां पर कंट्रोलर से व्यू नया बनाने, अगर नया व्यू बनाना है आपने तो कैसे बनाएंगे, जो आपका मेथड का नाम है आप वहां पर आइए, इस जगह पे आके राइट क्लिक करें, देखिए आपको वो ऑप्शन देगा गो टू व्यू या एड व्यू। अब आपने तो अभी तक व्यू बनाया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहां पर आकर एड व्यू पे क्लिक कर देंगे। एड व्यू देखिए आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, यहां पर वो आपको दे रहा है स्टूडेंट, इसका नाम आ रहा है। इसके अलावा अभी हम इसको एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे, एम्प्टी सेलेक्ट कर दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने जो आपका जो मेन पेज है उसका जो नेवबार पर लगा हुआ है, क्या आपने उसको ऐड करवाना है, अगर करवाना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आके इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर आके व्यूज पे क्लिक करेंगे, व्यूज पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे शेयर्ड पे, क्यों, क्योंकि शेयर्ड में मैंने आपको बताई थी कौन सा पेज आ रहा होगा, लेआउट का, लेआउट क्या करता था आपका वो होम पेज है। अब मैं अगर इस पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाके ओके कर देता हूँ, जरा देखिएगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद वो क्या कर देगा आपका, जरा देखिएगा अभी गौर कीजिएगा, ये स्कैफोल्डिंग हो रही है, इसके बारे में बताऊंगा कि क्या होती है। अब देखिए इसने क्या कर लिया, उस वाले पेज को इनहेरिट करवा के यहाँ पे बाइंड कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, उसके बाद एरर चला जाएगा इसका, ठीक है, चला गया एरर। अब ये क्या हो जाएगा, जो भी काम मैं वहां करूंगा उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। कैसे, मैंने यहाँ पर आके काम क्या किया, इस जगह पे आके मैंने स्टूडेंट हेडिंग के नीचे आकर एक मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया, टेबल बनाया मैंने यहाँ पर आकर, और टेबल की मैंने एक बूटस्ट्रैप क्लास दे दी, क्लास मैंने यहाँ पे दी थी टेबल, टेबल बॉर्डर्ड, और उसके अंदर आप यहाँ पे कुछ और इसको दे दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको कर दिया
कोई भी इसकी क्लास आप दे दें, और जैसे कि अलर्ट डेंजर कर दें या कुछ भी अपने हिसाब से आप कर दीजिएगा। सी मैंने सिर्फ एक सिंपल क्लास दे दी। अब इस टेबल के अंदर मैंने काम करना है, तो याद रखिएगा जब भी कभी आपने एचटीएमएल के पेज के कंटेंट के अंदर, टैग के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि आपने प्रोग्रामिंग करनी है, तो उस प्रोग्रामिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर रेजर सिंटेक्स यूज करते हैं। जब भी कभी टेबल या जब भी कभी किसी एचटीएमएल के टैग के अंदर आपने प्रोग्रामिंग यूज करनी है, किसी भी प्रोग्रामिंग सी शार्प का काम करना है, तो आप वहां पे रेजर सिंटेक्स यूज करेंगे। रेजर सिंटेक्स किस तरह इस्तेमाल होता है, आप यहाँ पर आकर सिंपल बस एट द रेट प्रेस कर दीजिएगा, आपका वो क्या हो जाएगा कि आपको डायरेक्टली वो गेट करवा देगा उससे। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर उसके अंदर मैंने एक रॉ बना दी और उसके अंदर मैंने आकर एक टीडी बना दी, TR TD, और यहाँ पर आकर मैंने नाम रख दिया नेम, सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद मैं नीचे गया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, इस जगह पे आके मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ जहां पे मैं काम कर लूंगा, किस तरह से काम करूंगा उस चीज को। लेकिन एक काम करें, इसको प्रॉपरली देख लिया ना, चले अब देखें यहाँ पे क्या करना है। मैंने अभी आपको बात बताई कि जब भी कभी प्रोग्रामिंग यूज करनी है किसी भी एचटीएमएल के टैग के अंदर, तो आप क्या करेंगे, रेजर सिंटेक्स यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर आइए, आपने यहाँ पे देखिए, अगर अभी मैं आके इफ प्रेस करता हूँ, डबल टैप करता हूँ, देखिए नहीं चल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर एट द रेट लगा दूँ और यहाँ पे टैप टैप प्रेस करूँ, सॉरी मैं यहाँ पे आके मैंने इफ लिखा, अब डबल टैप प्रेस किया, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन देंगे कि अगर वो वाला व्यू बैग जो आपने वहां पे रखा हुआ था, क्या अगर वो खाली है, मतलब खाली ना हो, तो व्यू बैग अगर खाली नहीं है तो क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये कर दिया। अगर के नल नहीं है तो क्या हो जाए, अंदर आ जाए, और यहां पे आके आप क्या कर दे, फॉर ईच लूप के थ्रू हम डाटा प्रिंट करवा सकते हैं। याद होगा पहले ही बताया था कि हम लिस्ट को फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं, तो डबल टैप प्रेस करें और यहाँ पे आके क्या कर दें, इस कलेक्शन में आके अपने उस व्यू बैग का नाम रख दें जो आपने वहां रखा था। तो मेरा नाम क्या था यहाँ पर, व्यू बैग डॉट नेम था, मैंने कॉपी किया इसको यहाँ लाके और इस जगह लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर देंगे, इसके अंदर आ जाइए डायरेक्टली और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे, आप यहाँ पर आकर एक दोबारा से TR जो आपने ऊपर बनाया था और एक यहाँ पे TD बना दें, और इसके दरमियान में क्या प्रिंट करवा देंगे, खाली आइटम बस, तो एट द रेट लगाइए और यहाँ पे आइटम प्रिंट करवा दें। कंट्रोल शिफ्ट बी करें, कोई एरर नहीं है, अब कंट्रोल F5 कर दें। थोड़ा सा एक क्रोम मसला कर रहा है, तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर वो लिस्ट पूरी की पूरी प्रिंट होकर आ गई है। मैंने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं किया है, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बस जाके इसको, अभी फिलहाल मैं क्लास यूज कर लेता हूँ, आप उसके अलावा मैं यहाँ पर टेबल रिस्पॉन्सिव पे क्लास यूज कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको बेहतर लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज तो कर दी, लेकिन अभी हमारे पास अगर मैं इसको जाके रन करूँ, यहाँ से कंट्रोल F5 प्रेस करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे नेव बार में नहीं आएगा। तो मैं अगर चाहता हूँ कि नेव बार में मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा हूँ, तो वो किस तरह से आएगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वहां पे नेव बार में लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली कहाँ चला जाऊंगा, मैं आया सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया किसके ऊपर, मेरे पास यहाँ पे व्यूज के अंदर शेयर्ड में मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा होगा, लेआउट टैग, ठीक जा रहा है। मैं यहाँ पे गया, मैंने इस जगह पे जाके लिस्ट को कॉपी किया, एंटर करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो पहला वाला है वहां पे वो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कोई भी नाम से मतलब ये मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में क्या आएगा, याद रखिएगा उस मेथड का नाम आएगा जो आपने यहाँ बनाया था कंट्रोलर के अंदर, तो आपने बनाया था यहाँ पे स्टूडेंट, आप इसको कॉपी कर लें, इसमें गलती नहीं करिएगा, आगे पीछे हो जाएगा तो तंग जाएगा। और ये क्या है, ये कंट्रोलर का नाम है, तो अब जब आप इसको जाके चलाते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं जाके वहां पर, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे वो स्टूडेंट का नाम आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे वो डायरेक्टली उसी पेज पर नेविगेट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या था, हमने जो है वो कंट्रोलर के थ्रू डाटा भिजवाया किसके ऊपर, व्यू पे, और उसके लिए हमने कौन सी तरीका यूज किया था, हमने यहाँ पे व्यू बैक को यूज किया था। अभी कंप्लीटली हम इसको देखेंगे कि व्यू बैक क्या होता है, व्यू डाटा क्या होता है, टाइम डाटा क्या होता है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहां तक कोई मसला लगे तो इसको प्रैक्टिस कर लें, और कोई मसला लगे तो बताइए।